साइलेंस, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी और आप थोड़ा सा शांति नहीं बना के रखते हो। ओके, यू फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हर एक्स, तो द स्टोरी इज वेरी बेसिक बट इट्स हिट हार्ड, डेफिनेटली। डेफिनेटली सर, दैट्स अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन सर, आप जो पब्लिक मारते हो उसको दे देते हैं सर। वो ट्रेलर के लिए रुकिए, कल से हम बात करते हैं। कैन वी हैव द ट्रेलर प्लीज? इन द टाइम आई थिंक जब वो रोमांस हो रहा था, यू गाइस आर फाइन। एज सून एज माय एक्स गर्लफ्रेंड कम्स बैक, शी वाज लाइक ओह ये क्या कर दिया, बट इट्स अ ट्विस्ट, यू गाइस हैव टू सी द वीडियो टू अंडरस्टैंड। आई स्वेयर आई डिडंट चीट। Sir, I'll request you to please be seated. We have the special performance from you from our side. Can you just have a seat on our comfortable sofas? Thank you.
लेकिन यहाँ पे म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म लिखा है, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, अगर इस बारे में कुछ? सो पहले हमने फितूर, दीवाना, इन सब सीरीज, तू चाहे सीरीज में पार्ट डिवाइड किए थे. दिस टाइम वी कमिंग अप विद फोर म्यूजिक वीडियोज टुगेदर एक ही पार्ट में, एंड इट्स अ 20-22 मिनट लॉन्ग स्टोरी वन गो में, एंड देर डिफरेंट सॉन्ग्स. तो इट्स बेसिकली अ स्टोरी अबाउट हाउ ऑफिस में किसी से प्यार हो जाता है एंड देन लाइफ ही कॉम्प्लिकेशन होता है. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी बट वेरी हार्ट टचिंग. तो एंड वी हैव डन समथिंग डिफरेंट के चार गाने एक साथ ही, वी मेड अ म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म एक बार में. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन डिफरेंटली दिस टाइम. रोमियो, कितना नॉस्टैल्जिक फील किया यहाँ पे कॉलेज में आके, और क्या कोई मेमोरीज ताज़ा हुई है कॉलेज के, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें, और क्या कुछ मेमोरीज थी कॉलेज की? जैसे आपने कुछ मेंशन भी किया ऊपर की एक्स के बारे में, और गाना भी उसी तरह का, अगर कुछ शेयर करें. हाँ, सो फर्स्ट कॉलेज की बात जहाँ तक है, मैं बहुत शाय था पहले, देन कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा फिर खुल गए, एंड देन टुडे रोमियो इज व्हाट रोमियो इज बिकॉज ऑफ हिज स्कूल एंड कॉलेज की लाइफ एंड म्यूजिक ऑल्सो. सो आई फील लाइक दैट एनर्जी आई सी यहाँ के ठाकुर कॉलेज के स्टूडेंट्स में, एंड द पैशन टू डू स्टफ आगे जिंदगी में, बी इट म्यूजिक, आर्ट्स और साइंस. सो आई फील लाइक मेरे को वो नॉस्टैल्जिया हिट होता है कि हाँ, कि इवन आई वॉज लाइक दिस इन माई कॉलेज. एंड जहाँ तक बात रही एक्सेस की, वो एक्स नहीं है, जस्ट लाइक एज पीपल कॉल हर मिस्ट्री गर्ल. तो फितूर गाना था, एंड उसके बाद बहुत सारे गाने लिखे उसके लिए. तो इट जस्ट एक तरफा प्यार वाली स्टोरी, एंड आज भी वही चल रही है. ठाकुर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको मिले, फैंस को मिले, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? बस के यही, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग आगे जिंदगी में. आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचें, एंड जस्ट फॉलो योर पैशन, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड, एंड आई फील हर इंसान वो जब करता है ही इज हैप्पी. And what is next, any of your upcoming project you would like to share with us? Yeah, I think after Let Me Love album we're going to launch one more album probably, and usse pehle thoda singles aayenge, and you will, you guys get to see a lot of collabs with other artists also, and very different commercial music also when it comes to hip hop or R&B. और एक तरफा प्यार हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया था जब आपने पूछा, उनके लिए क्या क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया आप इस चीज में, अगर कुछ एक्सपीरियंस हो गया. आई थिंक इट्स दैट डायलॉग जो मेरे दिमाग में अटक गया था, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. तो आई फील लाइक किसी से प्यार करने के लिए आपको उनकी जरूरत है ही नहीं. अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप दिल से करते रहो जिंदगी भर, उनकी प्यार की जरूरत है ही नहीं आपको. तो आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट, एंड आई फील लाइक, और वो खुशी भी है एक तरफा प्यार में, ना कोई स्ट्रेस, ना झंझट, ना आप किसी को तंग कर रहे हो, ना प्यार मांगना है, बस प्योर इंटेंशन है कि आपको किसी को प्यार देना है. तो आई बिलीव, आई सोली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक तरफा प्यार. ओके रोमियो, थैंक यू सो मच.